सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। रक्षाबंधन के मौके पर यूपी की महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं की यात्रा निःशुल्क करने का फैसला किया है। यानी राखी के दिन किसी भी महिला को टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो 48 घंटे तक आराम से मुफ्त में सफर कर अपने भाइयों को राखी बांधने आ जा सकती है। तो बहनों को सीएम योगी ने ये बड़ा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये तोहफा दिया गया है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग की तरफ से भी कई बार इस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर योजनाएं चलाई जाती हैं बहनों को, ताकि उस दिन किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े बहनों को और सुगमता से अपने भाइयों को राखी बांधने जा और आ सके। और इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को फिर तोहफा दिया है, उनकी सुगमता का ध्यान रखा है। जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है सरकार द्वारा, उसी तरह इस बार रक्षाबंधन पर भी एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया गया है। योगी सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं की यात्रा निःशुल्क करने का फैसला किया है। यानी कि यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से महिलाओं के लिए जितनी भी बसें हैं वो मुफ्त रहेगी, टिकट लेने की जरूरत नहीं रहेगी और ये सुविधा महिलाओं को 48 घंटों तक दी जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का एक लंबा इतिहास है, लेकिन समय के अनुरूप जिस प्रकार से प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी वह समय के अनुरूप नहीं हो पाया। लेकिन जब 2019 में प्रयागराज कुंभ था, प्रयागराज कुंभ के दौरान श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के माध्यम से और परिवहन निगम के माध्यम से जिन पैसेज को हम लोगों ने उस समय श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए खरीदा था, उन सभी पैसेज के बेड़े को हम लोगों ने परिवहन निगम को ही बाद में प्रदान किया। और उसका परिणाम था कि 2019 में जो बसेज हमें प्राप्त हुई थी उन बसेज ने अपनी सेवाओं को बेहतरीन तरीके से प्रदेश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी अपनी सेवाओं को प्रदान करते हुए प्रदेश के अंदर प्रदान किया। तो आपने सुना किस तरह से सीएम योगी ने महिलाओं को तोहफा दिया है और उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन का एक अलग ही इतिहास है और इससे पहले प्रयागराज कुंभ के समय में भी मुफ्त परिवहन की सुविधा दी गई थी। और एक बार फिर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। युद्ध समय समय पर सरकार और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को कई बड़ी सौगात और तोहफे देते रहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जिस तरह से महिलाओं को ये तोहफा दिया गया है कि वो कहीं भी उत्तर प्रदेश में सफर कर सकती है 48 घंटे तक रक्षाबंधन के दिन मुफ्त में, उनको टिकट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बिना टिकट लिए ही वो आसानी से उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में सफर कर सकती हैं महिलाएं। इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए लखनऊ से संवाददाता शादाब जुड़ चुके हैं। शादाब, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को आज बड़ी सौगात दी है, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकती हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में, किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी ये सुविधाजनक तोहफा है सीएम की तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार बीजेपी सरकार कार्रवाई कर रही है और साथ ही चाहे वो रक्षाबंधन हो या कोई भी त्यौहार ऐसा हो जिससे महिलाओं को लेकर बीजेपी सरकार लगातार सतर्क नजर आ रही है, चाहे वो क्राइम हो या कोई त्यौहार हो। हालांकि जो ये रक्षाबंधन है ये आज से कल रात 12 बजे तक ये फ्री रहेगी। बस सुविधा सरकारी बसें जितनी भी उत्तर प्रदेश में वो फ्री चलेगी। महिलाएं जितनी भी हैं वो आएगी और अपने भाइयों के राखी बांधेंगी। के चलते बीजेपी सरकार लगातार इस पे सख्त भी नजर आ रही है। वहीं महिलाओं के लिए एक बड़ी सुविधा है ये जो कल रात 12 बजे तक रहेगी। जी शादाब, अगर बात करें बीजेपी शासित राज्यों की तो क्या अन्य राज्यों में भी इस तरह से सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि महिलाओं को इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन अगर बात करी जाए इस बार की तो किस तरह से अलग है और बाकी राज्यों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है?
देखिए अभी बताते हैं कि अभी फिलहाल ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पूरी तरह से महिलाओं के लिए फ्री सुविधा कर दी गई है। वहीं अगर बस दिल्ली का सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने भी महिलाओं के लिए फ्री सेवा की है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश लगातार महिलाओं के लिए सतर्क नजर आ रहा है। वहीं महिलाओं के लिए फ्री सुविधा प्रदान की जा रही है। महिलाएं रात कल रात 12 बजे तक उनको कोई टिकट नहीं लेना है, वो बैठे वो अपने जहां उनको जाना है वो जाए, फ्री सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। बीजेपी सरकार की मुहिम लगातार ये जारी है, इससे पहले भी इन्होंने ये मुहिम जारी की थी तो इस बार भी ये मुहिम जारी है उनकी। जी शादाब, अगर बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो इस वक्त त्योहार भी है और जिस तरह से 15 अगस्त भी है, इन दोनों चीजों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी जाती है। अगर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह से अलग है इस बार की सुरक्षा व्यवस्था? देखिए अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था लगातार चाक चौबंद है और लगातार अधिकारियां जितने भी अधिकारी हैं वो सड़कों पे नजर आ रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और रूट मार्च कर रहे हैं। वहीं अगर इससे पहले जो 15 अगस्त की बात की जाए तो 15 अगस्त में एक सूचना आई थी जिसमें बताया गया था कि जो बम के उड़ाने की धमकी मिल रही थी उसको लेकर एटीएस ने कल बड़ा खुलासा भी किया था, उसकी गिरफ्तारी भी की है एक आतंकवादी की। वहीं लगातार जो पुलिस है यूपी पुलिस है वो लगातार सख्त नजर आ रही है, गश्त गश्त कर रही है। अधिकारियों को सख्त निर्देश मिले हैं शासन की तरफ से कि कोई भी ऐसी बात सामने ना आए जिससे कोई भी उत्पाद हो या कोई भी ऐसी घटना सामने आ सके। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शादाब जुड़े थे। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राजद नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने दूसरी बार डिप्टी सीएम बने। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में दोनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर छू कर आशीर्वाद दिए। 22 साल में ये 8वां मौका है जब नीतीश कुमार राज्य के सीएम बने हैं। वो साल 2000 में सबसे पहले 7 दिनों के लिए सीएम बने थे। एक बार फिर महागठबंधन देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के सीएम बने हैं, जहां एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और ये घोषणा भी करी थी कि सीएम तो मैं ही बनूंगा। एक बार फिर सीएम बन चुके हैं नीतीश कुमार, तो वहीं डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी ने शपथ ली है। तो 2000 में सबसे पहले 7 दिनों के लिए सीएम नीतीश कुमार सीएम बने थे और अब 8वीं बार बिहार के सीएम बन चुके हैं नीतीश कुमार। और एक बार फिर जो राजनीति है वो गर्माने लगी है, क्योंकि जहां बात करी जाए बिहार की तो वहां की राजनीति भी कुछ अलग ही देखने को मिलती है। गठबंधन के साथ वहां पे सरकार चल रही थी, लंबे समय तक एनडीए के साथ समर्थन में गठबंधन के साथ सरकार चलाई है नीतीश कुमार ने, और अब अचानक से उन्होंने एनडीए के साथ अपना गठबंधन, अपनी दोस्ती तोड़ दी, खत्म कर दी और एक बार फिर वो तेजस्वी के साथ मिल गए। तो ये जो गठबंधन हुआ है, अब इसके क्या नए मायने हैं, इसके कयास तो कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीति बदलती हुई नजर आई है, ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बड़ी कुर्सी पाने की फिराक में नजर आ रहे हैं। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही राजद नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में दोनों ही नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति क्या रंग लेती है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने, तो वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी ने शपथ ली है, वो भी दूसरी बार। किस तरह से देखते हैं इस गठबंधन को? देखिए 2024 के चुनाव से आने वाला है और 2024 राजनीति है वो फेरबदल हो रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि बीजेपी का साथ देते चले आए थे, उनके समर्थन सरकार बनाई जबकि उनकी सीटें कम थी विधानसभा में, उसके बावजूद बीजेपी ने उनको समर्थन दिया था और नीतीश कुमार यहाँ पर काफी बार मुख्यमंत्री बने थे और सरकार भी चला रहे थे बीजेपी के सहयोग से, पर 2024 के चुनाव की आहट होते ही यहाँ पर देखा जा रहा था कुछ फेरबदल हो सकता है। ऐसी संभावना भी थी कि बिहार में इस बार कोई राजनीतिक पलटी खाई हो, वह हुआ भी।
उन्होंने कल इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल के पास उन्होंने समर्थन दिया आरजेडी के साथ मिलकर, और उन्होंने आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव है आरजेडी के, उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार के पैर भी छुए हैं। तो माना जाता है कि नीतीश कुमार जो चल रहे यूनाइटेड, जो कि लगातार बीजेपी के साथ था और कहा जा रहा था कि 2024 में भी चुनाव में साथ जाएंगे, पर जिस तरह से अभी राजनीति ने यहाँ करवट ली है और बिहार में जो राजनीति का प्रदर्शन है वो बदल गया है। अब आने वाले समय में नीतीश कुमार 2024 चुनाव में क्या स्थिति दिखाएंगे और किस तरह उनका जो विपक्ष है वो मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे ही सरकार बदली है उनका आजादी समर्थन उनको मिला है, उन्होंने लेकिन नीतीश पे भरोसा जताते हुए सरकार ने उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या लगता है अब एनडीए को अपने इस फैसले पे पछतावा हो रहा होगा? बिल्कुल पछतावा होना भी चाहिए। नीतीश कुमार पर भरोसा दिखा चलाई थी इससे पहले भी उनका गठबंधन था, उसके बाद चुनाव में हुआ था आरजेडी ने प्राप्त की थी, तो उसके बावजूद माना जाता है कि आरजेडी अब अलग हो चुकी है, तो माना जाता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेगी, हुआ भी। और 24 चुनाव को देखते हुए जिस तरह से करवट बदली है बिहार की राजनीति ने अपना, उसके बाद आज उन्होंने आठवीं बार शपथ ली है और आरजेडी के को डिप्टी सीएम बनाया गया है। कारोबार जो काफी रहेंगे, पर ये चुनाव के पहले होती है कहां पर क्या पलटी होती है और कहां पर सरकार टूटती है और जुड़ती है, हमने देखा जिस तरह से उसमें शिवसेना जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया गया है। बुधवार को उन्हें विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया। इस घोषणा से कुछ देर पहले ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नेता सदन के पद से इस्तीफा दे दिया था। ये पहली बार है जब केशव को नेता सदन बनाया गया है। वो 2022 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे लेकिन फिर भी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और अब विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी देकर उनका कद बढ़ाया गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव के इस्तीफा देने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को नेता सदन बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन पहले स्वतंत्र देव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। भाजपा ने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा अब तक नहीं की है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सभी की नजर रहती है और जिस तरह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हार के बावजूद भी लगातार कद बढ़ाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कोई बड़ी तैयारी नजर आ रही है जिससे केशव प्रसाद मौर्य का कद तो बढ़ाया जा रहा है, जिम्मेदारी भी दी जा रही है, काफी विश्वास जताया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य पे। लेकिन अभी अगर बात करी जाए प्रदेश अध्यक्ष की, तो अभी नए प्रदेश अध्यक्ष की बीजेपी ने घोषणा नहीं करी है। इस बार की उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरी अहम भूमिका केंद्र सरकार की भी देखने को मिल रही है। दोनों का मिला जुला फैसला होता है, पूरे मंथन के बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। स्वतंत्र देव सिंह अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से कार्यकाल पूरा होने के बाद मुक्ति पा चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक नए अध्यक्ष का चयन तो नहीं हुआ है। तो वहीं अगर बात करी जाए स्वतंत्र देव सिंह की, तो उनका कद बढ़ाया गया है और इससे पहले ऐसा माना जा रहा था कि पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को नेता सदन बनाया जा सकता था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी केशव प्रसाद मौर्य को मिली है।
तो विधान परिषद में नेता सदन बनाए गए हैं केशव प्रसाद मौर्य, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से चुनाव में देखा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य को हार मिली थी, ऐसा माना जा रहा था कि उनको उप मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनाया जाएगा, कोई नया चेहरा लाया जाएगा, लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री के पद से मुक्त किया गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को फिर से उनका कार्यभार सौंप दिया गया। उन पे भरोसा जताया गया, हार के बावजूद भी भरोसा जताया गया और एक बार फिर भरोसा जताया गया है केशव प्रसाद मौर्य पे। उनके कामों को देखते हुए, उनकी निष्ठा को देखते हुए सरकार लगातार उन पे भरोसा जता रही है और उसी का ये परिणाम भी देखने को मिल रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, केशव प्रसाद मौर्य पे भरोसा जता रही है बीजेपी, कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, हार के बाद पहले उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और अब एक और उपलब्धि, किस तरह से देखते हैं? यही बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी दिशा निर्देश है, कोई भी चुनाव खत्म होता है उसके अगले चुनाव में लड़ना, उसकी रणनीति बनाना, साफ तौर पे जो पदभार होते हैं उनको बदलते रहना और अहम जिम्मेदारी है लोगों को बताना कि उनको क्या करना है। अभी हम देख रहे हैं जिसके पहले भी सारे जो नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, वो चुनाव के भागों में कूदे हुए थे, लगातार चुनाव में प्रचार कर रहे थे। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद मिथक टूट के सरकार दोबारा आई है तो उसके बाद से अलग तरह के रूट में पर काम किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ सभी मंत्रियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, दोनों उपमंत्री और मुख्यमंत्री को भी जिम्मेदारी दी गई है कि अलग अलग जिलों में जाके भ्रमण करें और वहां से देखें और पर क्या कमी है। तो इस तरह की गतिविधियां और इस तरह की कार्यजना बीजेपी में चलती रहती है और इसके साथ ही साथ अहम पद भी यहाँ पर जो होते हैं उन पर भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। आप जैसे स्वतंत्र सिंह जो की प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद उन्होंने अभी हाल में इस्तीफा दिया है, विधान परिषद के निरस्तरण थे, इसके बाद उनके इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को अहम यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, नेता सदन बनाया गया है, क्योंकि नेता सदन में भी एक महत्वपूर्ण अंग होना बहुत आवश्यक है जो कि सरकार को रिप्रेजेंट करे और चीजों को बताए। तो यहाँ पर जिम्मेदारी बदलती रहती है, साथ ही साथ आगामी चुनाव 2024 चुनाव को देखते हुए जो स्वतंत्र सिंह है जो की अभी फिलहाल कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे, जनशक्ति मंत्री है प्रदेश सरकार में, उनको और क्या पदभार दिया सकता है, इसके अलावा उनको कौन कौन से भार दिए सकते हैं ये पक्ष बताएगा। पर यह बात तो साफ है 24 के चुनाव के लिए बीजेपी तैयारी कर चुकी है और समय समय पर यहाँ पर पदभार में और जिम्मेदारी में परिवर्तन किया जा सकता है। जी, नए प्रदेश अध्यक्ष की अभी तक घोषणा नहीं करी है भाजपा ने, कयास क्या लगाए जा रहे हैं, किसको जिम्मेदारी मिल सकती है? गौरव, देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही धुरियों की बात कर सकते हैं, चाहे ब्राह्मण चेहरे की बात कर सकते हैं या पिछले वर्ष के कुछ चेहरे की बात कर सकते हैं, क्योंकि पहले अगर हम बात करें 2013 की बात करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके पीछे केशव प्रसाद मौर्य पिछले वर्ष से रहे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद स्वतंत्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। तो यहाँ पर जो जाति समीकरण है उसको देखते हुए 2024 चुनाव के लिए हमको क्या तैयारी करनी है, किस तरह व्यवस्थित करना है, साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि जो चुनाव निकाय नगरीय निकाय चुनाव है वो भी नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के जो भी संगठन बदलाव होता है, जो भी यहाँ पर दिशा निर्देश होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसका पूरा असर पूरे देश में पड़ता है। गुजरात चुनाव भी होने, हिमाचल प्रदेश चुनाव होने, तो बीजेपी इस माध्यम से कोई अहम संदेश भी देना चाहती है, अहम संदेश भी देती है और जिम्मेदारियों बदलाव पर ये भी बताती है कि यहाँ पर समय समय पर लोगों को मौका दे सकता है, क्योंकि बीजेपी पार्टी की बात करें, संगठन की बात करें तो यहाँ पर एक कार्यकर्ता भी आगे जाकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठ सकता है। तो यहाँ पर संगठन का जो बदलाव है वो होता रहता है और जिम्मेदारियां पर यहाँ पर जातिगत समीकरण को देखते हुए, अहम कार्यों को देखते हुए, उनका जो अब तक उनका जो प्रदर्शन रहा उसको देखते हुए बदली जा सकती है, दी जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर आउटर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक युवक को उसके घर से पकड़कर होटल के बंद कमरे में बेरहमी से पिटाई की। जानकारी के मुताबिक पुलिस की पिटाई से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे परिजनों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। देखने गए तो मतलब हमको क्या पता कि इससे हमारी सजा होगी नहीं, हम क्यों जाए तो बैठ जाए। उसके बाद कोई बात नहीं आई, पुलिस मेरे को धो गए धो के गए तो उसको इतना मारे सर कि मेरा हाथ का सब बीमार हो चुकी है, मेरे काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा है, उनके घर में क्या आएंगे, फोन आ रहा है रेस्टोरेंट की तरह, इससे बहुत तकलीफ है, मेरे तकलीफ का कुछ कार्य नहीं है।
सर 3 दिसंबर को मर्डर हुआ था, जिन्होंने एक मोहित पायल ने और एक चेतन सचान का जो कल्याणपुर का रहने वाला है, मोहित पायल इटर्रा का रहने वाला है, ये इन मेरे गांव का लड़का है। इसको पानी लगाने के बहाने एक दिन पहले ले जाए मतलब ले गए थे, इनको लेकर के चले गए थे वो, मतलब उनको 12 घंटा उनका कोई पता नहीं चला, तो गाँव के लड़के मतलब सब लोग ढूंढने लगे, तो 12 घंटे के बाद पता चला कि इसकी बॉडी तालाब में पड़ी। कानपुर से संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से गंभीर रूप से पिटाई करी है, पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, क्या कहेंगे इस पे? और एक घाटमपुर थाना क्षेत्र लगता है। पिछले कुछ समय पहले एक तालाब में किसी की मृत्यु हो गई थी, जिसमें कई लोग वहां पे मुख्य दर्शक बने थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि वहां पे पुलिस और लोगों में काफी हाथापाई हो गई थी, जिसके तहत पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों के नाम मुकदमा लिखा था। 50 अज्ञात लोगों के मुकदमे में पुलिस ने कल इसको उसको घर से उठाया है और पास ही एक होटल में ले जाके उससे काफी पिटाई करी है। पिटाई इस तरह से की है कि उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। इस टाइम जब कानपुर घाटमपुर क्षेत्र में CST में इसको भर्ती कराया गया, तो वहां के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो इसको कानपुर सेंट्रल के लिए कानपुर हॉस्पिटल अलर्ट के लिए रिफर किया गया, जहां पे इसको इलाज अभी भी जारी है, लेकिन स्थिति भी डॉक्टर कोई बताने को तैयार नहीं है कि स्थिति कितनी अच्छी होगी या अच्छी नहीं होगी। अब ये भी बताता चलूं कि कानपुर में ये आउटर का कोई एक नया मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत से ऐसे मामले आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस पे एक सवालिया निशान उठता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं आखिर कानपुर कमिश्नर लागू होने के बाद भी कानपुर की स्थिति अगर ऐसी बनी हुई तो आखिर ऐसा क्यों है। तत्कालीन कमिश्नर असीम अरुण के समय पे कहीं ना कहीं इन अपराधों पे और इन चीजों पे काफी लगाम लगी थी, परंतु वर्तमान स्थिति कानपुर की बिल्कुल अच्छी नहीं है, खासकर से कानपुर पुलिस प्रशासन की। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ कानपुर से संवाददाता अनिल जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प अब